और कन्या पूजन के साथ ही बेटियों, मातृत्व और नारी शक्ति के सम्मान में कन्या पूजन माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा किया गया। और अब चलते हैं भारतीय संस्कृति की एक और स्वस्थ परंपरा के निर्वहन उपक्रम का निर्वहन दीप प्रज्वलन के माध्यम से। अंतः के तमस को हरने की बारी है दीप प्रज्वलन के माध्यम से। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग, साथ ही श्री कमल पटेल जी किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ अपने सभी मंत्रियों से निवेदन करूंगी, सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कृपया मंचासीन हो और हम सब एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय और गौरवशाली क्षण है हम सभी के लिए, जिसका आज हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं, जब आज यहाँ प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं अन्य मंचासीन अतिथियों की उपस्थिति में किया जा रहा है। निश्चित ही प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। और इससे पूर्व मध्य प्रदेश गान प्ले होगा, आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठकर ही मध्य प्रदेश गान को बहुत सम्मानपूर्वक हम सभी सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गौरव गाथा को बखान करता मध्य प्रदेश गान। और हम आपको बता दें कि श्री वीडी शर्मा जी माननीय सांसद जी भी वर्चुअली हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और अब से कुछ ही देर में प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से माननीय एमएसएमई मंत्री जी की उपस्थिति में किया जा रहा है। इन उद्यमों में 4,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इससे लगभग 50,000 नए रोजगार मिलेंगे। रोजगार के साथ ही प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है आज का ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय एसएमएमई मंत्री, साथ ही श्री कमल पटेल जी माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विभाग,
यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए एवं एमएसएमई विभाग की पूरी टीम के लिए बहुत बधाइयां देते हैं और इस ऐतिहासिक आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और अब क्रम आता है स्वागत का। भारत वो देश है जहाँ तिथियों की नहीं अतिथियों की पूजा होती है। अतिथि सत्कार के उपक्रम का अब हम निर्वहन करने जा रहे हैं। अतिथि सत्कार के क्रम में मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के स्वागत के लिए आग्रह करती हूँ माननीय ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से। माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। इसी अनुक्रम में माननीय मंत्री एमएसएमई विभाग से ही अनुरोध करती हूँ श्री कमल पटेल जी किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ श्री वी डी शर्मा जी माननीय सांसद जी भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप सबकी तालियां इस बात का प्रतीक होती हैं कि निश्चित ही हमारी जीवंत भागीदारी सक्रियता इस कार्यक्रम में है। तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं तमाम मंचस्थ अतिथियों के स्वागत में और इस भव्य आयोजन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। निश्चित ही बहुत मेहनत होती है किसी भी कार्यक्रम के को मूर्त रूप देने में, तो आज ये भव्य आयोजन आप सभी उसका साक्षी बनने जा रहे हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा कार्यक्रम परिचय एवं स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ श्री ओम प्रकाश सकलेचा माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मध्य प्रदेश शासन से कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश में एक साथ 1891 एमएसएमई इकाइयों के स्वागत के इस अनूठे कार्यक्रम में हम सब के मार्गदर्शक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जिसके मार्गदर्शन के कारण आज हम सबको प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमारे साथी मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सामने विराजित मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के उद्योगपति विशेष आमंत्रित सदस्यगण अधिकारीगण कर्मचारीगण पत्रकार मित्रों, मुझे वास्तव में बहुत गौरव अनुभव हो रहा है कि ये सुअवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया। वास्तव में देखा जाए तो इस विभाग को एमएसएमई को अलग माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग करके एक नया मध्यम उद्योगपतियों के प्रति उनकी बात सीधी शासन तक पहुंचे और उनकी सब बातों का समन्वय और तुरंत निराकरण होके तुरंत ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए मध्य प्रदेश में, यह दायित्व सौंपा। मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात को कहते हुए कि आज जो हम उद्योगों का शुरुआत कर रहे हैं इसमें 74 उद्योग ऐसे हैं जिनमें 10 करोड़ से अधिक का निवेश है। साथ ही 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाले 646 उद्योग हैं। इन उद्योगों में अलग अलग सभी जिलों में मध्य प्रदेश के एक साथ ये शुरुआत है। हमने पहली बार CSIR की 36 लेब के साथ एमएसएमई विभाग का ज्वाइंट वेंचर करके उन सबके माध्यम से मध्यम उद्योग वालों को टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा अपडेट टेक्नोलॉजी एट मोस्ट रीजनेबल कास्ट
क्योंकि अभी हम एक नया सेंटर बना रहे हैं, इन 36 लैब का मध्य प्रदेश में एक जगह एक पॉइंट पे वो बना रहे हैं, ताकि सभी इंडस्ट्री वालों को किसी भी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी अपडेशन चाहिए तो उन्हें अवेलेबल रहे, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और इस तेजी से परिवर्तन वाले समय के कारण टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और R&D जो MSME विभाग अपनी क्षमता से अफोर्ड नहीं कर पाता था, उस कारण 25-30% उद्योग बीच में ही बंद हो जाते थे, क्योंकि उनकी वायबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती थी, उनकी इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो जाती थी। इसलिए हमने ये प्रयोग सभी लैब्स को MSME के साथ जोड़ के ये प्रयोग किया, क्योंकि अभी तक सामान्यतः जितनी भी ये 36 लैब थी, जब माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा हुई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब पधारे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के संवाद के अनुसार उन्होंने सहमति देकर, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री कभी भी R&D अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और बिना R&D के आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही, इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी था। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने पहली बार चाइना के पैटर्न पे अलग अलग टाइप के क्लस्टर लगाकर कॉस्ट इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करने का ध्यान दिया। 5 क्लस्टर हमने फर्नीचर के बनाए, जिसमें इंदौर का 750 एकड़ जमीन में और तकरीबन 15,000 लोगों को उसमें रोजगार, नया रोजगार का सृजन होगा। ऐसे ही हमारे भोपाल में होगा, बैतूल में होगा, नीमच में होगा और अन्य जगह भी फर्नीचर के क्लस्टर्स बन रहे हैं। टॉयज के क्लस्टर बन रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट के क्लस्टर बन रहे हैं, फार्मा क्लस्टर बन रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर बन रहे हैं। इन सब क्लस्टरों के माध्यम से हम बेहतर अच्छी क्वालिटी का चाइना के कॉम्पिटिशन में चाइना से बेहतर चीज मध्य प्रदेश में बनाकर पूरे देश में अपने आप को देंगे। क्योंकि मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशानुसार ये सोच थी कि सबसे ज्यादा अगर रोजगार कोई चीज दे सकती है कृषि के बाद तो वो MSME डिपार्टमेंट ही दे सकता है, और चूंकि एक और विशेष मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ होने के कारण हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी एट रीजनेबल कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात आज करना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने कई नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने मार्च में ही 11 नए मध्य प्रदेश को क्लस्टर दिए, जो कई वर्षों से वहां पेंडिंग थे, वो क्लस्टर अभी मार्च में ही स्वीकृत हुए। और साथ ही जब मार्च में माननीय गडकरी जी केंद्रीय MSME मंत्री जी आए थे, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के गए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर बनाएं, 30 से 40 नए क्लस्टर्स और बनाने की पाइपलाइन में है। और साथ ही में सभी हमारे उद्यमी मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी जहां जिस चीज के क्लस्टर की गुंजाइश हो आप अपने सुझाव भी दें। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह और निर्देश है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, इसी उनने भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो भी क्लस्टर के कागज आप लेके आएंगे हम 60 दिन में केंद्र सरकार से क्लियर कर वापिस तुरंत हम आपको स्वीकृत करेंगे, ताकि बिजनेस में कभी भी शुरू करने में कोई भी एक दिन की भी देरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है। पहले 5 से 10 साल एक टेक्नोलॉजी चलती थी, एक प्रोडक्ट चलता था, अब 3 से 5 साल की लाइफ हो गई, उसके बाद उसे टेक्नोलॉजिकल बदलना होता है। तो ऐसे समय पे अगर 6 महीना साल अगर प्रोसेस में गुजर जाए तो उसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ होगी।
अभी इस आज के जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें 50,000 लोगों का नया रोजगार सृजन हो रहा है और अगले 2 महीने में हम वो 3,000 नए उद्योग शुरू करने वाले हैं 3 महीने में, वो सब अगर जोड़ ले तो हम इसी साल में 2,00,000 से ज्यादा नए रोजगार सृजन करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी मेरे उद्योगपति मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने कार्यक्रम में आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मेरी हिम्मत बढ़ाने का जो काम किया, पुनः आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। मंत्री मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और ये एक स्वर्णिम पहल आज इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा चुकी है। श्री वीडी शर्मा माननीय सांसद महोदय भी वर्चुअली हम सभी से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करती हूं कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। श्री वीडी शर्मा जी माननीय सांसद जी। मध्य प्रदेश सरकार के आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एमएसएमई विभाग के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कुमार पटेल जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी औद्योगिक क्षेत्र के हमारे निजीगण, सभी सरकार के हमारे अधिकारी पदाधिकारीगण और जो लोग आज इस माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं आप सब लोगों का बहुत हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एमएसएमई मिनिस्टर आदरणीय ओम प्रकाश जी को विशेष तौर पर आज बधाई दे रहा हूं कि आज देश के अंदर मध्य प्रदेश आज एक नया इतिहास बना रहा है। 1,800 नए हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर जो 7 नए सेक्टर हमने औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं और आज इनका मुख्यमंत्री आज इनको लेकर के शुभारंभ करेंगे, ये हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस कोरोना के महामारी के संकट में माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो एक शुरुआत यहाँ पर की उसका रोडमैप सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जिसकी शुरुआत देश के अंदर की और ओम प्रकाश जी जिसमें पहले दिन से लगातार सक्रिय होकर के उन्होंने जो शुरुआत की और इस प्रकार के नए उद्योग और नए नौजवानों को जो अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे नए यूथ इंडस्ट्रीज जिसमें खड़े हो, हमारे लिए गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए। इसलिए मेरे क्षेत्र में भी यानी खजुराहो के अंदर चतरपुर, खजुराहो, हमारा पन्ना, कटनी, मेरे क्षेत्र में भी और मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर एमएसएमई विभाग के द्वारा जो शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से एक नए रोजगार के सृजन, जैसे आज के दिन ही 50,000 लोगों को इन इंडस्ट्रीज में रोजगार आज से उनका प्रारंभ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है इसके बारे में कि हमारे जो उद्योग होंगे उनमें हमारे लोकल के जो नौजवान हैं, स्थानीय हमारे जो नौजवान हैं, उनको हम रोजगार के अवसर की प्राथमिकता उनको मिलेगी। मैं आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश के नौजवानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जी और हमारी सरकार ने इस प्रकार से आज नए लोगों को अवसर दिए और एमएसएमई के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे तो लगता है कि ओम प्रकाश जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उनके सब प्रयासों से आज एक रिकॉर्ड भी हम मध्य प्रदेश के अंदर बनाने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है। और इस अवसर पर ये आज जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री इन इंडस्ट्रीज का करेंगे उसमें मैं आप सबको, सभी जो लोग आज इस काम को प्रारंभ करते हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको भी जो काम की शुरुआत आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे सरकार के माध्यम से आज ये सारे काम प्रारंभ होंगे, छोटे छोटे हमारे उद्योग एमएसएमई के द्वारा जो प्रारंभ होंगे, ये मध्य प्रदेश के विकास में एक
मील का पत्थर साबित होंगे और कोरोना के संकट में चुनौती को अवसर में बदलने का काम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वैसे ही मध्य प्रदेश के विकास के लिए मध्य प्रदेश के नौजवानों को अवसर देने के लिए जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान और आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय ओम प्रकाश जी को आदरणीय कमल पटेल जी को और जो भी आज यहाँ पर इस अभियान के साथ सभी लोग जुड़े हैं मैं उनका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो कदम उठाए हैं ये मध्य प्रदेश के विकास के नए रास्ते जो खुले हैं उसमें नौजवानों को बड़े अवसर इससे प्राप्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र श्री वी डी शर्मा जी। आदरणीय देवियों सज्जनों हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष एक अप्रत्याशित बीमारी ने अचानक दस्तक देकर सारे माहौल को बदल दिया। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों के जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। पर ऐसी विपरीत और नकारात्मकता से भरी हुई परिस्थिति में भी कुछ लोगों ने कुछ संस्थाओं ने इस आपदा को सच में अवसर बनाकर हम सबके लिए एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है और आज मौका है उन कठिन हालातों में बेहतर कार्य करने वाले कुछ चुनिंदा एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप यूनिट्स को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में आप सबकी भरपूर तालियों के साथ हम मंच पर बुलाना चाहेंगे पीथमपुर जिला धार से मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री अवनीश बंसल जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड के प्रबंध संचालक को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित करें। हम आपको बता दें कि पीपी किट एवं फेस मास्क निर्माण हेतु सी यूएस एफडीए बीआईएस से मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश की एकमात्र इकाई है मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड। इस यूनिट से प्रतिदिन 3 लाख फेस मास्क का निर्माण हो रहा था और इस महत्वपूर्ण बात का भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के दौरान विश्व के 21 देशों को फेस मास्क और पीपीई किट का निर्यात इस संस्था के माध्यम से किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियां। और आइए अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं इसी अनुक्रम में औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल से जी के इंसुलेशन ग्रुप से श्री दिलीप कुमार कोहली साहब को। आप मंच पर आए। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं आप कोहली जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी के इंसुलेशन ग्रुप के प्रतिनिधि कोहली साहब मंच पर आ रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ जी के इंसुलेशन ग्रुप को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। हम आपको बता दें कि डीके इंसुलेशन ग्रुप द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से कारोबार शुरू किया गया जिससे 40 लोगों को रोजगार के अवसर मिले और इस इकाई द्वारा रक्षा उपकरण का उत्पाद हो रहा है। हमारे देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए देश को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा उपकरणों का उत्पादन इसके द्वारा इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही इंजीनियर बाबू आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आदिति चौरसिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंदौर के स्टार्टअप यूनिट इंजीनियर बाबू आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव मंच पर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री साहब से और हमारे अतिथियों से हमारा निवेदन है आपको स्वागत करेंगे सम्मानित करेंगे। हम आपको बता दें कि प्रदेश में स्थापित इस स्टार्टअप से लगभग 900 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला जिसमें से 170 से अधिक विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं और इस स्टार्टअप यूनिट का उद्देश्य मॉग आधारित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को उपलब्ध कराना है और आईटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करना है। तो इस तरह से औद्योगिकरण के नए आयाम प्रदेश के स्टार्टअप कर रहे हैं बड़ा काम। और सम्मान के इस अनुक्रम में अब हम स्टेज पर आमंत्रित कर रहे हैं अपनी स्टार्टअप यूनिट के कारण प्रदेश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने वाले इंदौर में स्थापित रेक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट के संस्थापक श्री नरेंद्र सेन जी को। आपकी जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र जी मंच पर आमंत्रित हैं। रेक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक श्री नरेंद्र सेन जी को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथि
सम्मानित कर रहे हैं। विश्व के एक प्रमुख निवेशक बैंक से 400 मिलियन यूएस डॉलर लगभग 2900 करोड़ की फंडिंग आपने प्राप्त की है और विश्व के 150 से अधिक देशों में पहुंचकर आपने अपनी ग्राहक सेवाएं दे औद्योगिकरण का नया आयाम स्थापित किया है। इससे इन सेवाओं से न सिर्फ प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि विश्व पटल में मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम भी आप कर रहे हैं। और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपॉइंटी इंडिया भोपाल से श्री निमेश सिंह जी को। आपके जोरदार तालियों के साथ निमेश जी मंच पर आ रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से संचालित अपनी स्टार्टअप यूनिट के माध्यम से शिक्षित युवाओं में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति के विकास के लिए आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि प्रदेश की एकमात्र ऑनलाइन शेड्यूलिंग कंपनी है जिसके विश्व के 110 देशों में 1,30,000 ग्राहक हैं। ऑनलाइन शेड्यूलिंग के क्षेत्र में विश्व की 3 बड़ी कंपनियों में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, हम सभी जिस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, निवेदन करती हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब से 1891 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का डिजिटली शुभारंभ करें। आप सभी की भरपूर तालियों के साथ प्रदेश को मिलने वाली एक बहुत बड़ी सौगात और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डिजिटली शुभारंभ किया जा रहा है 1891 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का। सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात आज मिल रही है। हम चाहेंगे कि एक बार कल करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आप सभी स्वागत करें। एमएसएमई विभाग के मंत्री जी भी हैं और यहाँ एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारियों का इससे प्रयास है जो प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात आज मिल रही है। सौगातों से निश्चित ही प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, नई नई तकनीक के विकास में भी प्रदेश आगे बढ़ेगा और अब निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। जल्द साकार होगा ये सपना हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि मध्य प्रदेश पूर्णतः आत्मनिर्भर बने। आज इन उद्यमों की शुरुआत निश्चित ही मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के और उनके पूरे प्रशासनिक अमले के कि मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात आज इस मंच के माध्यम से मिली। अपने सक्षम हाथों से अमली जामा पहनाया और जनता के लिए बनी जन कल्याणकारी योजनाओं में सबके सहयोग और सक्रिय सहभाग के बिना सफलता संदिग्ध सी होती है। तो आप सब शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। आप सभी को भी, प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाइयां। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ करें। खरगोन में नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं माननीय मंत्री शकलेजा जी, माननीय मंत्री कमल पटेल जी, सभी के द्वारा एक और सौगात प्रदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवियम सज्जनों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर आज एमएसएमई की विभिन्न यूनिटों का यहाँ से वर्चुअली शुभारंभ किया गया और प्रदेश में जो उद्यमी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शीर्ष स्थान हासिल कर रहे हैं, उन उद्यमियों को आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहां पर सम्मानित भी किया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। कार्यक्रम में एमएसएमई विभाग की सहायता से अपने उद्योग को आगे बढ़ाने वाले कुछ उद्यमियों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। हम आपको बता दें सभी जिले के उद्यमी एवं प्रतिभागी वेबकास्ट के माध्यम से जुड़ेंगे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से उन उद्यमियों का संवाद होगा डिजिटल मीडिया के माध्यम से।
हम चाहेंगे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निश्चित ही प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है, रोजगार के नए अवसर युवाओं को, नौजवानों को मिलने वाले हैं, और अब क्रम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिले के उद्यमियों से संवाद करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले नीमच जिले से दीर्घायु भाव हनी एंड हर्बल प्रोडक्ट उद्यम इकाई की श्रीमती मीनाक्षी मालव धाकड़ से मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है आपका उद्योग, एमएसएमई कौन सा है? सर मेरा मधुमक्खी पालन मैं करती हूँ और उसके साथ हनी निकालती हूँ, और हनी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अच्छा, हनी निकालने के बाद क्या उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है? सर दो तरीके होते हैं, एक रॉ हनी होता है, एक प्रोसेसिंग करके होता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके जो सारे गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ मैं रॉ हनी पे वर्क करती हूँ। तो जो उसके मूल गुण है उसको समाप्त किए बिना आप उसको ग्राहकों तक, उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं? जी बिल्कुल। कुल प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई होगी? सर 25 लाख का मेरा लोन हुआ है और 5 लाख खुद की निवेश पूंजी है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, शुद्ध शहद आप उपलब्ध करा रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस क्रम में टीकमगढ़ जिले से आजाद स्टील फर्नीचर से प्राइवेट लिमिटेड से मोहम्मद शहजाद मंसूरी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। शहजाद जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी। कौन सी इंडस्ट्री है आपकी? आजाद स्टील फर्नीचर। कब प्रारंभ की? ये हमने की सर 2001 में, और 21 में लोन लेके इसका अच्छा लाभ उठाया जनवरी में। अच्छा, 2001 में शुरू करी थी और 21 में क्या फिर नई क्या शुरुआत करी आपने? श्रीमान हमने बहुत कम पूंजी से लागत थी हमारी, हम बढ़ नहीं पा रहे थे 2001 और 2022 में और थोड़े से बड़े 12 थे। फिर 2021 में हमने जब 1 जनवरी को लोन लिया, श्रीमान आज हमारी 50,000 की आय हो गई, 8 मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, गेहूँ की टंकी बना रहे गोल वाली, और 20 परिवार उसको हर गांव-गांव में जाके बेच रहा है, तो अच्छा रोजगार मिल गया हमारे गांव में गाँव वाली। तो गेहूं भरने के लिए टंकियां बना रहे हैं आप? हाँ जी सर, गेहूं सुरक्षित रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके साथ राकेश गिरी जी भी और बाकी मित्र भी बैठे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। गेहूं इतना पैदा हो रहा है आजकल के भंडारण की जगह नहीं है, आपने एक नया तरीका निकाल दिया कि किसान घर पर ही भरे और सुरक्षित रखें, घुन वगैरह ना लगे, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब इस क्रम में खरगोन जिले से श्री वरद पॉलीफेयर प्राइवेट लिमिटेड उद्यम से श्री प्रवीण गुप्ता जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। रवि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं प्रवीण गुप्ता, मेरे साथ में मेरे बड़े ब्रदर श्री नितिन गुप्ता जी भी आए हुए हैं। आपका और शासन का अनुकरणीय योगदान ये था जो इस कोरोना महामारी के बीच भी हम अपनी इकाई सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हमने साहब करीब 1,000 स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है। हम इकाई में पीपी के जंबो बैग का निर्माण और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट, आप क्या बना रहे हैं आप? हम जंबो बैग बनाते हैं, पीपी मटेरियल से बनता है। अच्छा, पॉलीप्रोपिलीन से। और ये एक्सपोर्ट होता है? ये पूरा एक्सपोर्ट होता है। कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? ये संसार के करीब 15 देशों में एक्सपोर्ट होता है। तालियां बजाएं रवि गुप्ता और विपिन गुप्ता के लिए, दुनिया के 15 देशों में खरगोन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुल आपकी यूनिट की लागत कितनी है? हमारी यूनिट हमने 5 करोड़ से स्टार्ट की थी और अभी 10 करोड़ का ऑफिस एक नया इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसका शुभारंभ आज आपके द्वारा हो रहा है, और करीब करीब 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर चुके हैं। शासन के द्वारा हमको काफी सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है, जिसमें वेट अनुदान मिल रहा है, ब्याज अनुदान मिल रहा है, उसके अलावा जो आपने 40% अनुदान टोटल इन्वेस्टमेंट पे किया है वो भी हमको मिलते जा रहा है। अच्छा, सुविधा तो आपको मिल गई, असुविधा क्या क्या हुई है, वो भी बताओ ना। सुविधा में सब हमने तो 1,000 लोगों स्थानीय लोगों को रोजगार दे रखा है, ये हम सबसे बड़ा
नहीं ये तो आप नहीं, मैंने ये पूछा कि प्रशासन ने कोई दिक्कत भी पैदा की क्या? अरे नहीं साहब, हम तो इंदौर से उठ के खरगोन में आए हैं। खरगोन प्रशासन और खरगोन का जिला उद्योग केंद्र काफी सहयोगी है हमारे यहाँ। तो खरगोन जिले की जो कलेक्टर मैम है, उन्होंने खुद ने विजिट किया और काफी अप्रिशिएट किया यूनिट को देखकर। चलिए रवि जी, बिपिन जी, दोनों भाइयों की राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी हमेशा बनी रहे। और आप 15 देशों को अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को और कई देशों को एक्सपोर्ट करें और खरगोन और मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आज आज शुभारंभ के नया जो आपने शुरू किया यूनिट, उसके लिए भी 10 करोड़ की बहुत 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 बधाई आपको। कार्यों में आप हमारे साथ अपना खुद का भी ख्याल रखें, हम ये चाहते हैं सब आपसे। आपकी लीडरशिप में प्रदेश काफी उन्नति करता रहे। आप स्वस्थ रहें तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। आप सुरक्षित रहे, मामा खुश रहेगा। हाँ बिपिन जी बोलिए। हमारे बीच में साहब हमारे क्षेत्र के सम्माननीय सांसद गजेंद्र पटेल साहब भी उपस्थित है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं गजेंद्र जी, हाँ गजेंद्र, गजेंद्र जी को भी बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं खरगोन जिले के समस्त जनता की ओर से आज जो नया कलेक्टर भवन का जो लोकार्पण हुआ है, इस अवसर पर मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताली बजा के आपका भी स्वागत करते हैं। अब इस कलेक्ट्रेट भवन में गजेंद्र जी, आप जानते हैं कि पहले अलग अलग कार्यालय अलग अलग स्थानों पे लगते थे और जनता को काफी परेशानी होती थी काम में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय। अब सारे प्रमुख कार्यालय आपके कलेक्ट्रेट भवन में एक ही जगह आ गए हैं और इसलिए आम जनता को बहुत सुविधा होगी। अत्याधुनिक ये भवन है और जनता को इस सौगात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। भूमि पूजन भी आपके माध्यम से हुआ, लोकार्पण भी आपके माध्यम से हुआ और ये जनहित के रूप में सरकार चल रही है, इसलिए लोकार्पण बहुत अच्छे अवसर पर हुआ है और सभी प्रमुख लोग उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री जी, पूर्व अपने जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, वर्तमान के भी सब विधायक लोग उपस्थित हैं और सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सभी हमारे विधायक साथियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको भी, खरगोन वासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसी अनुक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारी श्री वरद पॉलीफेम प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है विपिन जी, आपको बधाई। और इसी अनुक्रम में अब सतना जिले के डिवाइन इंडस्ट्री की उद्यमी श्रीमती मुस्कान रावलानी जी से मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मुस्कान कैसे हैं बेटी आप? फाइन, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा परेशान भी हूँ, लगा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और आप सबके सहयोग से कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे और सतना भी सुरक्षित रहे, इसकी कोशिश भी हमको करते रहना है, खरगोन भी सुरक्षित रहे। कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने? सर डिवाइन इंडस्ट्री, पास्ता की। कब शुरू की? नवंबर में। कितनी इसकी लागत कितनी है? सर उसकी लागत हमने 94 लाख से स्टार्ट की थी। हाँ। और अभी पर डे का प्रोडक्शन रहता है 1000 to 1200 के जी। अच्छा अच्छा, कहाँ सप्लाई कहाँ करते हैं इसको, बेचते कहाँ? सर सप्लाई हमारे जो आसपास के गांव एरिया है, उजैरा, मैयर। तो लोकली खप जाता है पूरा प्रोडक्शन लोकली? हाँ, खप जाता है। जी जी सर। इससे कितनी हर महीने क्या आय कितनी हो जाती है? इनकम हर महीने? हाँ, नेट प्रॉफिट। हाँ, सर नेट प्रॉफिट अप्रोक्स उसका 1200 पर केजी से अकॉर्डिंग होता है उसके। चलिए आपको मुस्कान, आपको बहुत बहुत बधाई। आप मुस्कुराते भी रहें, प्रसन्न रहें और आपकी इंडस्ट्री लगातार बढ़ती रहे और सतना भी प्रगति करता रहे। बहुत बधाई आपको। और अब जिला बालाघाट से सीड लाक बनाने वाले उद्यम के लाख प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, क्या नाम बताया? चीके श्री महेंद्र पारिधि। महेंद्र जी कैसे हैं? महेंद्र जी आपके साथ गौरी भाऊ भी बैठे हैं लगता है। मास्क के कारण जरा मुश्किल से पहुंच पाते हैं, लेकिन मास्क लगाए रखना है क्योंकि बालाघाट में भी अभी पॉजिटिव प्रकरण काफी बड़े हैं। महाराष्ट्र बगल में है, इसलिए महाराष्ट्र में काफी फैला हुआ है। हाँ बताइए, कौन सा उद्योग है आपका? सर हम लोग सीड लाइक बनाते हैं, लाख जो होती है उसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले उसको खेती करने का प्रशिक्षण देते हैं, उससे बैंगल बनाने का प्रशिक्षण देते
उसके बाद उन्हीं से माल को खरीद कर उसे एक्सपोर्ट करते हैं। कच्चा माल कहाँ आसपास से ही उपलब्ध हो जाता है? यस, कच्चा माल हमारे आसपास क्षेत्र से उपलब्ध हो जाता है। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? सर, फ्रांस, यूएस और पाकिस्तान। गजब है, बालाघाट से फ्रांस और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लाख भेज रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, लगातार आपका उद्योग बढ़ता रहे, बालाघाट में और इंडस्ट्री जाती रहे, बाकी मित्र भी प्रेरित हो एमएसएमई शुरू करने के लिए। मैं सभी बालाघाट वासियों को बधाई देता हूं और आपको भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अभी मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित कर रहे थे जिलों के कुछ प्रमुख उद्यमियों से। अब मैं निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम में हम सभी को प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी। वैसे मैं मास्क लगाए रहता हूँ हमेशा, और मैंने प्रदेश की जनता को भी ये अपील की है कि एमपी का मतलब एम से मास्क, पी से पहनो, एमपी मतलब मास्क पहनो, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए मास्क बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इतनी देर के लिए, क्योंकि आवाज मेरी स्पष्ट सुनाई दे जाए उतनी देर के लिए ही मैं मास्क निकालूंगा। और सभी प्रदेशवासियों से मैं अपील करूंगा, हमारे साथ आज उपस्थित हमारे एमएसएमई मंत्री जो बहुत कुशलता के साथ काम कर रहे हैं, एक तड़प एक लगन उनके मन में काम करने की है और वो अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर रहे हैं, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभी हमसे वर्चुअली जुड़े थे, आदरणीय बीडी शर्मा जी, अलग अलग जिलों में, पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, मंत्री साथीगण, उद्योगपति मित्रगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। आप जानते हैं आज एक दिन में 1891 उद्योग या तो प्रारंभ हुए या उनके निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है। अब तक जो स्थापित इकाइयां हैं जिनका शुभारंभ हम कर रहे हैं 572 हैं, जिसमें 765,50,00,000 रुपए का निवेश हुआ है और 10,168 रोजगार नौजवानों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। अभी जिनमें काम चला है, आगामी 3 माह में जो इकाई स्थापित हो जाएगी उनकी संख्या है 296। 608,72,00,000 रुपए की लागत से ये स्थापित हो रही हैं और 7,492 नौजवानों को रोजगार देंगी। आगामी 6 माह में जो इकाइयां स्थापित होगी, जिनका काम प्रारंभ हो रहा है और 6 माह में स्थापित हो जाएंगी, ऐसी इकाइयां हैं 1023। इनमें 2,852,88,00,000 रुपए का निवेश होगा और 33,066 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर 1,891 इकाइयां, 4,227,10,00,000 रुपए का निवेश और 50,726 रोजगार। शायद एक दिन में एमएसएमई की इतनी इकाइयों का प्रारंभ होना या काम का प्रारंभ होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड के लिए मैं एमएसएमई मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनकी पूरी टीम को और उनसे भी ज्यादा मेरे उद्योगपति मित्रों को जो अपने छोटे छोटे उद्योगों की श्रृंखला स्थापित करके मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन।
केवल जो मेरे सामने आप बैठे हैं उन्हीं का नहीं, जो मुझे अलग अलग स्थानों पर सुन रहे हैं उद्योगपति उनका भी। मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कोरोना के संकट का, एक अनजान बीमारी जो कहां पहुंचेगी इसका ठिकाना नहीं, उससे हम जूझ रहे हैं। और मैं तो 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना पिछले साल, और सबसे पहली लड़ाई मैंने कोरोना से ही लड़ी। लॉकडाउन लग गया, काम धंधे ठप हो गए थे, विशेषकर उद्योगों को भी काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन वैसी परिस्थिति में काम करते करते तब जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, एक बार फिर हम लोगों ने कोशिश की कि ध्वस्त अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित करें। प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र इस बीच में हमें दिया, और वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। प्रधानमंत्री चुनौतियों में अवसर खोजना जानते हैं, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत। हमने संकल्प ले लिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। और केवल कहा नहीं, मैं जब कोरोना से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो अस्पताल के अंदर ही बैठ के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाता एक खांचा खींचा, और बाहर निकल के हमने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, देश भर के विशेषज्ञों को जोड़ा, अनेकों मित्रों को जोड़ा, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया। उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चार प्रमुख स्तंभ और आयाम, एक अधोसंरचना निर्माण, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। आज अर्थव्यवस्था और रोजगार की चर्चा हम कर रहे हैं, रोजगार के अवसर अगर सृजित करना है, देखिए हमारा फोकस। मैं प्रदेश के नौजवानों को फिर कहना चाहता हूं, बाकी सब काम करेंगे, कसर किसी में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा ध्यान रहेगा रोजगार, रोजगार और रोजगार के सृजन पर। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार केवल सरकारी रोजगार नहीं होता, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की सीमा है, वो भर्तियां भी हमने प्रारंभ की है, लेकिन आखिर कितनी? सबको सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं दी जा सकती, और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अनेकों प्रकार की गतिविधियों से नए नए रोजगार के अवसर सृजित करे। वो रोजगार के अवसर सृजित होंगे अधोसंरचना के निर्माण में, सड़कों का जाल, बांधों का निर्माण, नहरों का काम, पावर प्लांट, टूरिज्म जैसे क्षेत्र, अनेकों बड़ा काम चल रहा है हमारा हर घर में पानी देने के लिए, अनेकों नल जल योजनाएं, एक नहीं मैं उस पर विस्तार से आज नहीं जाऊंगा, अनेकों ऐसे काम जो अधोसंरचना खड़ी भी करें और रोजगार के अवसर भी सृजित करें। रियल इस्टेट भी उठे, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर अगर कोई सृजित करती है तो वो MSME सृजित करती है। हम बड़े उद्योगों के लिए भी प्रयास करें, लगातार निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, अनेकों प्रयास उसके लिए किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी कई नए निवेश करने वाले उद्योगपति मित्र मध्य प्रदेश की धरती पर आए, लेकिन हम जानते हैं बड़े उद्योगों में रोजगार सृजित करने की क्षमता कम होती है, ऑटोमेटिक प्लांट्स लगते हैं तो पता चला निवेश कितना है 6,000 करोड़, 12,000 करोड़, रोजगार कितना है 200-250 ऑटोमेटिक प्लांट्स के कारण, उनकी भी उपयोगिता है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे उद्योग, लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछ जाए मध्य प्रदेश की धरती पर। ये मेरा संकल्प भी है और ये हमारा सपना भी है, और इसलिए MSME एक अलग विभाग बनाया गया,
एमएसएमई, कहने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों का मंत्रालय, लेकिन अब एमएसएमई की परिभाषा में कई ऐसे उद्योग जो पहले उद्योग विभाग के अंतर्गत आते थे वो भी उसके अंतर्गत आ गए हैं। देखा भी हमने खरगोन से, बालाघाट से हमारी छोटी इकाई आज दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर रही है, वो विदेशी पूंजी भी कमा रही है, वो रोजगार भी दे रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी लघु उद्यमियों से, मेरे बेरोजगार नौजवान बेटे बेटी जो सरकारी नौकरी की चाहत में रहते हैं, उनको अपील करना चाहूंगा, उनको यह आह्वान करना चाहूंगा कि नौकरी करने वालों को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मित्रों थोड़ी हिम्मत करो, अपनी छोटी इंडस्ट्री खुद लगाओ। मैं चाहता हूं तुम रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाओ, और यह असंभव नहीं है। हमने एक उद्योग क्रांति योजना प्रारंभ की है जिसमें हम छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले हमारे लघु उद्यमियों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको लोन उपलब्ध करवाएंगे, स्टेट गारंटी लेगी, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और जो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हो। मैंने अभी एक उद्योगपति मित्र से पूछा कि आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई प्रशासन की तरफ से? मैं जानता हूं कि दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, लेकिन उन दिक्कत और परेशानियों के समाधान के लिए भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। और जब हमने एक नीति बनाई, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, हम सारे अप्रूवल्स, सारी परमिशन और सारी औपचारिकता आपको पूरी करनी पड़ेगी। कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं करेगा और कहेगा कि क्लियरेंस मिल जाए तो उसकी गारंटी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन औपचारिकता पूरी करने के बाद सारी परमिशन, अप्रूवल्स, अनुमतियां 30 दिन के अंदर अंदर दे दी जाए, 31वां दिन ना हो, यह हमने प्रयास किया है। और इसमें जहां दिक्कत और आएगी, मैं लगातार आपके संपर्क में रहूंगा, होम सेक्रेटरी जी आपके संपर्क में रहेंगे, उन हर्डल्स को, उन दिक्कतों को हम दूर करने का काम करेंगे। कई तरह के विषय हमारे उद्योगपति मित्रों की तरफ से आते हैं, बिजली के रेट का सवाल है, जमीन जो हम आवंटित कर रहे हैं उन जमीनों का अनडेवलप्ड लैंड भी अब हम दे रहे हैं, उसका विकास करने का सवाल है, ओम प्रकाश जी उसका फॉलो अप करते हैं। और हमारी कोशिश रहती कैसी, जितनी दिक्कत और परेशानियां आए उनका समाधान हम निकालते चले जाएं। इसलिए हमने उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए नई एमएसएमई नीति बनाई है, भू प्रबंधन नियम बनाए, क्रय नीति बनाई जा रही है। ये जो प्रस्तावित नीति हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से उद्योग हितैषी बनाया जाएगा। देखिए, वो जमाना चला गया जब उद्योगपति को कई बार ये फैशन था कि गाली दो। आज मैं मानता हूं कि प्रदेश की समृद्धि और विकास का और रोजगार देने का रास्ता अगर कहीं से जाता है वो उद्योगों से होकर जाता है, और उद्योगों में भी लघु और छोटे मध्यम उद्योग। और इसलिए आपको मैं सरकार से अलग नहीं मानता, आप रोजगार देने वाले प्रमुख माध्यम है हमारे। और इसलिए जो नई क्लस्टर विकास नीति जिस पे हम लोगों ने चर्चा की है, उद्यमी अपने खुद की डिजाइन के अनुसार शासकीय भूमि पर क्लस्टर बना सकेंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से एमएसएमई पर पड़ने वाले ब्याज के भार को काफी कम किया जा सकेगा, वो ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार भरने का काम करेगी, उसकी नीति भी हम बना रहे हैं। एमएसएमई इकाइयों बड़ा मार्केट प्राप्त हो जाए,
जरूरत इसकी भी है और इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई कॉमर्स कंपनियों के साथ जोड़ने का भी हमारा अभियान जारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए उसमें कहीं तकलीफ और परेशानी होती है तो उसके सुझाव भी मैं आपसे आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं आपको विकास का भागीदार मानता हूं। हम विकास के भागीदार हैं। अगर एक छोटा उद्यमी अपनी छोटी इंडस्ट्री लगाता है तो डायरेक्ट 10, 5, 15, 20 लोगों को रोजगार देता है। इनडायरेक्ट जब वो बेचने जाता अपने उत्पाद तो अलग अलग डीलर बनाता होगा, अलग अलग माध्यम बनाता है, उनमें भी कई रोजगार के अवसर सृजित करता है। मेरे लिए उद्यमी तो महत्वपूर्ण है ही। पिछली बार लॉकडाउन के कारण हमारे छोटा छोटा बिजनेस करने वाले, आपने देखा पटरी पे सामान बेचने वाले, रेहड़ी वाले, चाय वाले, पान वाले, फल सब्जी वाले, जूता जोड़ने वाले, पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, ये छोटे 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 काम करने वाले हमारे भाई और बहनों को भी काफी दिक्कत होती। हमने तय किया कि बड़ा उद्योग अपने स्थान पर इनको भी 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन दिला के इनके काम को भी शुरू करना। और मुझे खुशी है 5,20,000 से ज्यादा ऐसे बहनों और भाइयों को हमने 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण, जिसकी गारंटी उनको देने की जरूरत नहीं थी, वो भी देने का काम किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कई तरह की चीजें बहनें बना रही है। आज मुझे मास्क की जरूरत है, हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम दे दिया कि मास्क बनाओ, और उन्हें 2 करोड़ मास्क पिछले समय बनाए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए, अनेक तरह की चीजें वो बना रही। जब हम लघु उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की बात करते हैं तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, लघु उद्यमी बनाए, आप बनाए, आपकी मदद करना, आपके काम में सहयोग करना, यह हम हमारा परम कर्तव्य मानते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, ये लगातार जारी रहेगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कृषि उत्पादों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बहुत संभावना है इसकी। अभी एक बहन शहद बना रही थी, मधुमक्खी पालकर शहद के निर्माण का काम कर रही थी। हमारे यहां इतनी चीजें होती है। अब कई जगह टमाटर कई बार दाम कम होते तो फिकता है, उसका कैचअप बन सकता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। रॉ मटेरियल अब हम चर्चा कर रहे थे गेहूं की नरवाई प्रणाली भी जिसको बोलते हैं, अब उससे वो बनाया जा सकता है। प्लाई 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 जो खुद रहती है उसमें मिला के काम आ सकता है। एक तरफ पराली जलती है, नरवाई जलती है, पर्यावरण दूषित होता है, आग लगती है। अगर उसका उपयोग प्लाईवुड में हो जाए तो आग लगाने की जरूरत नहीं है, विशेष प्रकार की मशीनों से काट के उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अनेकों रॉ मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग निर्माण के कामों में किया जा सकता है। आज में एक बार फिर हमारे एमएसएमई मंत्री सकलेचा जी को, उनकी टीम को, आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तो 1891 एमएसएमई इकाई हमने प्रारंभ की है, लेकिन ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारा लक्ष्य हर महीना 1,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करना, साल भर में 12,00,000 रोजगार देना, ये टारगेट। और इसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम रहेंगे तो हमारे एमएसएमईज रहेंगे। आप हमारे मित्र हैं, हम आपके साथ हैं प्रदेश की समृद्धि और विकास में, और मुझे लगता है कि मिलकर हम काफी काम करेंगे। और अंत में हाँ, आप सबसे, क्योंकि प्रदेश भर में अनेकों स्थानों पर लगभग सभी जिलों में हमारे साथी बैठे हुए, एक ही अपील करना चाहूंगा, कोरोना के संकट को देखते हुए मास्क लगाए, हाथ को सैनिटाइजर के उपयोग से साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि उसको रोकने का और कोई तरीका अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अपने प्रदेश में अभी लगातार ये बढ़ रहा है।
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अस्पताल और बिस्तरों की, लेकिन अस्पताल में बिस्तरों की भी एक संख्या है। बेहतर ये होगा कि हम बीमार ना हों, कोरोना से संक्रमित ना होना आज प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है। मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप नहीं हो, आप जुड़े हो कम से कम 25-25, 50-50 लोगों से तो जुड़े ही रहते हैं, एमएसएमई वाले आप, अपने काम करने वाले साथियों को जागृत करो, अकेला मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, आप अपने साथ काम करने वाले मित्रों को जागृत रखें, वो स्वयं भी मास्क लगाएं, परिवार को मास्क लगवाएं, और कोरोना की गाइडलाइन का, दूरी का, हाथ साफ रखने का, और 45 साल से ज्यादा उम्र के जो भाई बहन हैं वो टीका लगवाने का, टीकाकरण के अभियान में भरपूर सहयोग दें। आपकी फैक्ट्रियों में जो 45 साल से ज्यादा के भाई बहन हैं उनको टीका लगवाने की पहल आप भी कीजिए। मैं लंबा लॉकडाउन नहीं चाहता, लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन स्थिति को थोड़ा ब्रेक करने के लिए हमने शुक्रवार की शाम से शनिवार इतवार शहरी क्षेत्रों में और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक आज तय किया है कि हम बंद रखेंगे, ताकि संक्रमण की चैन को, उसमें कोई इंडस्ट्री आप बंद रखें 24 घंटे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं वो हम रखेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मैंने कहा है कि अपने अपने नगर की समीक्षा करके वहां कौन कौन से कदम उठाने जरूरी है उनकी चर्चा करें। कई जगह देश में लंबा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मेरी भरसक कोशिश होगी कि लंबा लॉकडाउन ना लगाएं, अत्यंत आवश्यक हो जाने पर ही उस कदम को उठाएं, ताकि उद्योग भी चलते रहें, बिजनेस व्यापार भी चलते रहें, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप सब सहयोग करें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ा के 1 लाख करने का हमने फैसला किया है, डॉक्टर सीमित है आप जानते हैं, और इसलिए व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, लेकिन वो कोशिश हम भरसक कर रहे हैं। आपसे सबसे अपील है कि इन परिस्थितियों में सुरक्षित उद्योग चला के आप अपने कर्मचारियों को भी अवेयर करके आप खुद बीमार मत होना, सबसे पहली चीज, परिवार को मत होने देना। तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत सहयोग आपने किया है, और वो तभी होगा जब आप सुरक्षित दूरी और बाकी चीजों का पालन करेंगे। खरगोन की कलेक्ट्रेट का भी आज लोकार्पण हुआ है, मैं खरगोन वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक बार आप सबको फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब। विकास सिर्फ महानगरों और बड़े शहरों तक ही ना रुक जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शासन और प्रशासन सतत प्रयासशील है विकास की दिशा में, और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रयास चल रहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ से सुदृढ़तम किस तरह से बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री साहब का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करती हूँ श्री भास्कर लाक्षाकर, संचालक एमएसएमई डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर इस सूत्र वाक्य के आज यहाँ प्रतीक रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद और स्वस्ति वचन प्रदान करने आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ माननीय कृषि मंत्री महोदय का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय श्री वी डी शर्मा साहब, सांसद खजुराहो, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, हमारे जो विभाग के मंत्री महोदय हैं, जिनकी प्रेरणा और निरंतर उत्साह इस कार्यक्रम का हेतु जो बना, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं इस पूरी यात्रा के जो पुरोधा हैं हमारे उद्योगपति साथी और जो निवेशक साथी हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए समस्त माननीय जनप्रतिनिधियों का भी मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त इस मंच के माध्यम से करता हूं। साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का,
समस्त मीडिया के साथियों का, हमारे सारे उन लोगों का जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका, उन सबका मैं करबद्ध और बहुत ही विनम्रता के साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भास्कर लाक्षकार, संचालक MSME विभाग। निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम प्रदेशवासियों के लिए, नौजवानों के लिए उन्नति के नए सोपान तय करेगा और आज का ये भव्य आयोजन, इसमें आप सभी की उपस्थिति के लिए एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद।